हाफ है और 51% से शुरू होता है काम। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोका अनुकंपाय, भिक्षुओं को, भिक्षुओं से कह रहे हैं महाकारुणिक बुद्ध, कहते हैं हे भिक्षुओं, आप कहीं एक जगह बैठकर आलसी न हो जाएं, कहीं प्रमाद से न घेर लिए जाएं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो और धम्म का प्रचार करते रहो। वो धम्म जो हर जीव के लिए कल्याणकारी है, इसीलिए इसी बात से प्रेरित होकर एक लोकमानस में कहावत आई कि साधु रमता भला और नदियां बहती भली। पानी बहता उसमें बदबू नहीं आती और साधु रमते रहते हैं, मैंने चलते रहते हैं तो वो धर्म प्रचार करते हैं, कभी बोझ नहीं बनते। तो वो ये जो बात है संत मत में जो बात पैदा हुई वो बुद्ध के उसी वचन से प्रेरित है। प्रेरणा का स्रोत बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से है। तो हम लोग अपनी जो भाषा है ना उसकी मजबूती की जरूरत है। अब ये बात मैं कह रहा हूँ इसीलिए जरूरत नहीं है, मामला बुद्ध का है, बाबा साहब ने थमाया ही ऐसा है, है ना। अगर देवी देवता होते तो भजन गाए होते हैं ना, ओम जय जगदीश हरि है धुन एकदम, है ना। हमारे उधर राजस्थान में गीत बजता है, खम्मा खम्मा ओ राजा रूने तेरा धनिया, थान है तो पूछे अजमाल जियो गुजरात जियो, पीछे मा धारा सु महारा राम दे पधारिया, घर अजमल अवतार लियो। आपने सुना है कि बीन पर सांप नाचता है, है ना, वो वाइब्रेशन ही ऐसी होती है, हम नहीं नाचते क्या। तो लोक गीतों की धुनी ऐसी होती है कि लोग मगन रहते हैं, ठीक है। अंतिम मेरी बात है, आप लोग आए बहुत इंजॉय किया, ठीक है, और कई लोगों ने संकल्प भी लिया, अपनी अपनी ढंग से बात कही, ठीक है।